सारे तो तो नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ़ कवर करने कोशिश की की। कोशिश ऋतु? जैसे आजकल जो मौसम चल रहा है तो लक्षण के अनुसार हम क्या बता सकते कि ये वाला ऋतु अभी चल रहा है अभी वर्षा ऋतु तो चल रही है केस ऑफ दिस वर्षा ऋतु कैन यू टेल अबाउट ऑफ अग्नि वर्षा ऋतु में पित्त का संचय चल रहा होता है और वात का प्रकोप

व्यायाम और धूमपान कैन यू टेल अगेन दी व्यायाम एंड अभ्यंग एंड देर दोष शाम कथम व्यायाम से कफ दोष का समान होता है और अभ्यंग से वात दोष का समान होता है तो जैसे आपको पता है अभ्यंग एक दिनचर्या के रूटीन प्रोसीजर है कुछ विशेष स्थान बताया गया विच नीड्स टू बी स्पेशली लाइक फॉलोड वेन यू स्पीक अपट अभ्यंग कैन यू टेल अबाउट दैट विशेष स्थान सिर और कान और पाद पादल आपने ऑलरेडी इसका उत्तर दे चुके हैं लेकिन एक रिपीटे रिपीटेशन कर दीजिए कि वर्षा ऋतु में अग्नि का क्या स्टेटस है वर्षा ऋतु में मंद अग्नि रहती है और ये जो अग्नि है और दोष के कोई संबंध है इज देर एनी डोमिनेंसी ऑफ दोषा एंड द टाइप्स ऑफ अग्नि अग्नि चार टाइप की बताई गई है अष्टांगर्दि में मंदाग्नि कफ दोष ज्यादा होता तब और तीक्ष्णाग्नि पित्त दोष ज्यादा होता तब समाग्नि तीनों दोष समान होने पर और विषमाग्नि वात दोष प्रकोप। apart from what is mentioned about the status of दोष earlier वर्षा ऋतुचर्या के संदर्भ में कोई स्पेसिफिक दोष के वृद्धि या डोमिनेंसी के बारे में लिखा गया है त्रिदोष प्रकोप बोला गया है अब हमने थोड़ा बहुत अग्नि के ऊपर डिस्कशन किए नाउ वी विल कम टू द टॉपिक ऑफ कोस्ट कैन यू टेल मी द कोस्टा एंड द डोमिनेंट दोष व्हिच आर इन रिलेशन टू दिस कोस्टा कोष्ठ मृदु कोष्ठ होता है वो पित्त के लिए बताया गया है और क्रूड वात के लिए और so you're right. Tell about the in relation to कफा मध्यम कोष्ट मृदु कोष्ठ तो हम जो बात कर रहे हैं कोष्ठ दूसरे संदर्भ में कोई दूसरे अर्थ में है जैसे कोष्ठ इन केस ऑफ द रोग मार्ग

अजीर्ण जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैन यू टेल अ फ्यू टाइप्स एंड इट्स स्पेसिफिक दोष डोमिनेंस इन रिलेशन टू अजीर्ण अजीर्ण विष्टम अजीर्ण जो वात दोष के प्रकोप से होता है और विदक अजीर्ण पित्त दोष प्रकोप से और आम अजीर्ण कफ दोष से और एक होता है रस शेष अजीर्ण तो आपने अच्छे से आंसर किया उसमें जो लास्ट वाला है रस अजीर्ण वो स्पेशल है और उसमें चिकित्सा जो है वो भी थोड़ा अलग दिया हुआ है जो हम यूजली सोचते नहीं है कैन यू टेल वॉट इज द चिकित्सा जीर्ण दिवा स्वप्न सो नाइस यू नो दाउ कनेक्ट फ्रॉम ऋतुचर्या पॉइंट ऑफ व्यू विन विच ऋतु कैन वी अलो अ पर्सन टू अव दिवा स्वप्पना दिवा स्वप्न फिर ग्रीष्म ऋतु के अंदर कर सकते so, जैसे हैं जैसे ऋतुचर्या में पेशेंट को बोलते हैं यू कैन टेक दिस फूड और दैट फूड

Who can be called as Apta closely for today's time? time teachers classical text टीका लिखने वाल उनको हैवन काल सो स्पीक अर्ड्स अबाउट औषध सेवन काल औषध से दसवीं दो औषध से बताए गए various वेरियस औषध सेल मुझे कोई पेशेंट को खाने से पहले ही अगर कोई औषध देना है बिफोर द फूड ड्यूरिंग अब आप दोष का नाम बताइए इन विच वी कैन यूज दिस सेवन काल अपान वायु की दृष्टि हो तो औ मतलब खाने से पहले दी जाती है सो यू हैव डन ऑलमोस्ट ऑल राइट कैन यू टेल अबाउट इका श्वास और कासा कासा लाइक डिसीज वेयर औषध सेवन, सेवन काल हमें वहाँ पर इस्तेमाल करना चाहिए so, you know, them, we'll चरक सहिता। चरक सहिता में भी बहुत सारे अध्याय आपको सिलेबस में रखा गया है उनमें सेम ऑफ दैप्टर and also tell in which chatushka we can consider that chapter आठवें चैप्टर का नाम इंद्रिय उपकर्मणी अध्याय स्वस्थ स्वास्थ्य चतुष्क इन द इलेवेंथ चैप्टर ऑफ चरक संहिता सूत्रस्थान ई हेज मेन्शन फोर परीक्षा विधि लाइक फोर परीक्षा विच वी कैन इवन कॉल एज प्रमाण कैन यू टेल द नेम्स ऑफ देम आप्तपदेश प्रत्यक्ष अनुमान और युक्ति

विरुद्धार जो मतलब खाने पर है ना दोषों को शरीर में उत्कलेशित करके निक, निकालते नहीं बस शरीर में उत्कलेश नहीं करते हैं दोषों को। तो चरक संहिता समझने के लिए हम कई सारे टीकाओं का मदद लेते हैं कैन यू टेल फेमस टू कॉमेंट्रीज ऑफ चरक संहिता विच आर ऑलरेडी इन प्रिंट वर्शन एक तो आयुर्वेद दीपिका जो चक्रपाणी ने दी है और एक जल कल्पत्रु गंग गंगाधर Since you are in Samhita Adhyayan, why va? We would like एक श्लोक आप अच्छे से बताइए अलोंग विथ अगर छंदस है तो और बढ़िया रहेगा सो टेल ए श्लोक अलॉन्ग विथ अ प्रॉपर छंदस मदन मधु कलम्बा निम्बी बिंबी विशाला त्रिपुस कुटज मूर्वा देव दाली कृमिग्नम विदुल दहन चेत्रा कोशवत्यो करंज ਕਣੇ ਲਵਣ ਵਾਚੇਲਾ ਸਰਸਪਾ ਛਰਦ ਨਾਨੀ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਨਾਓ